हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? मैं आपसे शेयर किया था कि मैं कोलकाता जा रही हूँ 9 दिन की जर्नी में, और मैं कुछ कुछ वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी, शेयर करूँगी आप सबसे कि मैं कहाँ कहाँ गई, क्या एंजॉय किया। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है जो अपलोड करूँगी। आज सुबह से हमने प्रोग्राम बनाया मम्मी और मैं कि दक्षिणेश्वर मंदिर को जाएंगे दर्शन के लिए। तो ये देखिए मंदिर जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ऊपर का, जो ये मंदिर का एरिया ही है। अंदर तो मोबाइल वगैरह कैमरा ये सब लेने के लिए मना है, तो मैं अंदर का दर्शन नहीं करा सकती आप सबसे, लेकिन बाहर में जो भी है जितना कुछ है मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। और ये हमने पहले प्रसादी लिए है, फूल माला प्रसादी, एगुलो नीते हैं एकटू पूजोर जन्य। तो हमें बाहर থেকে নিয়ে নিয়েছি, बाहर से ले ली हूँ, यहाँ चप्पल भी खोलनी पड़ती है। तो चलिए हम लोग दर्शन के लिए चलते हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत भव्य मंदिर है और बहुत ही जागृत है दक्षिणेश्वर मंदिर। आप सब आके दर्शन करिएगा, बहुत ही मनोकामना भी पूरा होती है। और बारह लिंग जो महादेव के मंदिर भी है, तो हमें वो भी दर्शन करना होता है तो बहुत ही अच्छी लगती है अंदर जाने से। काश मैं आप सबको अंदर की मैं दिखा पाती तस्वीर। ये बाहर की है जो माता गंगा, माँ गंगा की जो नदी है, गंगा नदी। हम लोग अभी पूजा वूजा करके फिर बाहर निकले हैं, अभी माँ गंगा के थोड़ा दर्शन करेंगे, माँ की पूजा करेंगे। ये जो शिवलिंग का है, इस तरह पूरा लंबा करके पूरा 12 लिंग का 12 मंदिर है महादेव के। यहाँ पे गंगा नदी में सब लोग नहाते हैं, अपना जो मनोकामना है वो पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं भगवान से, माता गंगा से लेते हैं, माँ दक्षिणेश्वर से लेते हैं। हम तो स्नान नहीं किए, स्नान घर से करके आए थे, तो हमने थोड़ी बहुत पानी अपने सर पे छिड़ के थोड़ा सा आशीर्वाद लिए। मेरी मम्मी बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ठीक है, सब लोग नहा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा पानी लेके अपने माथे पे छिड़कने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने गंगा मैया का। नहाने का तो बहुत मन है, मैं बहुत साल पहले नहाई थी, फिर कभी जाके नहा लूंगी मैं। आप सब जरूर आइए, इतने सुंदर भव्य मंदिर आप लोग दर्शन कीजिए, कोलकाता में आइए, बहुत अच्छा तीर्थ है ये। मम्मी के साथ आई हूँ तो बहुत ही अच्छी लग रही है, मेरे को बहुत पसंद है। मैं जितनी बार आती हूँ कोलकाता में तो मैं दर्शन जरूर करके जाती हूँ माँ की, इतनी शांति मिलती है मन को। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मार्केटिंग भी करेंगे, भगवान की चीजें मिलती हैं वहाँ। मम्मी और मैं बोले चलो थोड़ा वहाँ से घूम लेते हैं। मैं शंखा पहनूंगी, शाखा और पोला बोलते हैं बंगाली में, तो मुझे पहनना है, तो बहुत दिन हुआ मैंने पहनी नहीं है। तो मम्मी बोल रहे चलो तुम पहन लो शाखा पोला, तो वही मैं शाखा और पोला पहनूंगी।
और भी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं आजू बाजू में जो इनके ही हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर के ही हैं। तो ये सब भी बहुत ही अच्छा लगता है, मैं हम लोग दर्शन करते हैं। पुराने पेड़ वगैरह है जिसमें भगवान ने यहाँ पे सब उस जमाने से है, तो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग। बहुत ही धूप थी, बहुत गर्मी थी हम लोग जिस दिन गए थे, इतना विशाल एरिया में बना हुआ है मंदिर कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत खूब। ये देखिए मार्केट है जहाँ मैं शंखा पलक पहनी हूँ और कुछ सामान भी खरीदी हूँ बाल गोपाल के लिए, ड्रेस वगैरह। तो ये सब खरीद के फिर हम लोग यहाँ से निकले। फिर यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है, छोटे छोटे दुकान है खाने के लिए। तो मैं और मम्मी ने थोड़ा सा पूरी सब्जी मिठाई वगैरह खाए हम लोग, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। हम लोग व्रत रखे थे पूजा वूजा देने के बाद, थोड़ा सा खाना होता मंदिर से। तो हम लोग ये देखिए पूरी सब्जी ये सब खाए हैं, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो आज का बस वीडियो यहाँ तक ही रखूँगी क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ।